हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट। एक्सरसाइज नंबर 7.1 को कंप्लीट करवा दिया गया है, आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है रब के अंदर। आज अपन एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ समझना है, तो ध्यान से देखिए बोर्ड पे। एक वर्ड आएगा क्यूब रूट। आपको पता है क्यूब क्या होता है? किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 times मल्टीप्लाई कर दे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होता है? उस नंबर का क्यूब होता है। अब क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट इज ऑपोजिट ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब रूट ऑपोजिट होता है किसका? क्यूब का। क्यूब रूट इज ऑपोजिट ऑफ क्यूब। क्यूब रूट ऑपोजिट होता है किसका? क्यूब का। जैसे अपन जानते हैं क्यूब ऑफ 2 is 8। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो इसका ऑपोजिट क्यूब रूट ऑफ 8 is 2। ठीक है, 2 का क्यूब तो कितना होता है? 8। पर 8 का क्यूब रूट कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। क्यूब रूट का एक साइन होता है। क्यूब रूट का साइन कैसे होगा? आपको स्क्वायर रूट का साइन पता होगा, यानी कि अंडररूट का जो साइन होता है इस तरीके से, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूं तो ये किसका साइन बन जाएगा? क्यूब रूट का साइन बन जाएगा। ठीक है, जो स्क्वायर रूट है उसके अगर यहाँ पे 3 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? साइन ऑफ क्यूब रूट। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखो आगे पढ़ते हैं अपन एक्सरसाइज नंबर 7.2 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.2, ठीक है, इसे क्वेश्चन हम फर्स्ट देखेंगे आज। क्वेश्चन हम फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपको कुछ नंबर दे रखे हैं और बोला है कि इनके क्यूब रूट फाइंड करो। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टर मेथड से। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसका फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। सबसे पहले कितना फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है? 64। आपको 64 क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 64 के प्राइम फैक्टर कर दो। 64 के प्राइम फैक्टर करो। 2 से डिवाइड होगा 32 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 16 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 8 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 4 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम। ये हो गए 64 के प्राइम फैक्टर। इसको लिख दो 64 इज इक्वल टू कितने टाइम? 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम क्या है? 2 है। तो लिख दो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। अब देखो सबसे पहले क्या बनाओ? 3 के सेम फैक्टर्स के जोड़े बनाओ, यानी ट्रिप्लेट्स बनाओ सेम फैक्टर्स के। तो देखो ये तीनों क्या है? सेम है। और ये तीनों भी क्या है? सेम है। इनको इस तरीके से लिख लो 64 is equal to, ये तीनों सेम है तो 2 की पावर 3 into, ये तीनों भी सेम है तो 2 की पावर 3। यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखो आपको निकालना है क्या है? क्यूब रूट ऑफ 64। तो पहले क्यूब रूट का साइन लगाना है आपको। क्यूब रूट का साइन आपको बता दिया गया कैसे होगा। 64 को तो आपको अंदर लिखना है, यहां पे क्या लिखना है? 3 लिखना है। ये साइन है किसका? क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू, आप कैसे निकालोगे? देखो यहां पे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 में से 1, 2 बाहर निकाल लो। 2 की पावर 3 है ना, तो 3 में से 1, 2 को बाहर निकाल लो। कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, इनटू यहां पे भी 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 में से 1, 2 को बाहर निकाल लो। कितना बचेगा? 2 बचेगा। यानी 2 की पावर 3 में से 1 निकाले यहां से और 2 की पावर 3 में से यहां से 1 निकाले यहां पे, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 4। तो 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। तो क्यूब रूट ऑफ 64 कितना आ गया? 4। ठीक है, तो लिख दो हैंस क्यूब रूट ऑफ 64 is 4। क्यूब रूट ऑफ 64 is 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है? 512। आपको 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? प्राइम फैक्टर कर दो 512 के। तो प्राइम फैक्टर करो 512 का। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 2 से। ठीक है, कितने टाइम? 2 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। ठीक है, फिर 2 से
वन टाइम टू टाइम एट टाइम, फिर टू से सिक्स टाइम फोर टाइम, फिर टू से थ्री टाइम टू टाइम, फिर टू से सिक्सटीन टाइम, फिर टू से एट टाइम, टू से फोर टाइम, टू से टू टाइम और टू से वन टाइम। ठीक है, ये हो गए प्राइम फैक्टर ऑफ 512। इसको इस तरीके से लिख लो, 512 इज इक्वल टू कितने टू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम क्या है, टू है, लिख दो 2 into 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 2। इस तरीके से लिखने के बाद में आपको क्या करना है, तीन तीन के सेम फैक्टर्स के जोड़े बनाने हैं, यानी ट्रिपलेट्स बनाने सेम फैक्टर्स के। तो देखो ये तीनों क्या है, टू है, ये तीनों भी क्या है, टू है, और ये तीनों भी क्या है, टू है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्यूब रूट का साइन लगा देना है, क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू, क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू, इन तीनों टू में से 12 को बाहर निकालो, तो यहां पे 2 लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई इन तीनों टू में से भी एक टू बाहर निकाल लो, जा गया। ठीक है, इन तीनों टू में से भी एक टू बाहर निकाल लो, ये लिख दिया यहां पे। ठीक है, अब इन तीनों टू को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 4 2 8, तो क्यूब रूट ऑफ 512 कितना आ गया, 8, तो लिख दो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8, यानी 512 का क्यूब रूट कितना है, 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर दो इस नंबर का, प्राइम फैक्टर ऑफ 10,648, इसका क्या करोगे, प्राइम फैक्टर कर दो। तो करो, पहले 2 से डिवाइड करो, 5 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 4 टाइम, फिर 2 से होगा 2 टाइम 6 टाइम 6 टाइम 2 टाइम, फिर 2 से होगा 1 टाइम 3 टाइम 3 टाइम 1 टाइम, अब किससे होगा, अब होगा सीधा 11 से, 11 से कर दो 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम। ठीक है, फिर 11 से करो 11 टाइम, फिर 11 से करो 1 टाइम, ये आ गया इसका प्राइम फैक्टर। तो लिख दो 10648 इज इक्वल टू 1 2 3, 3 टाइम तो क्या है, 2 है, तो 2 into 2 into 2। ठीक है, फिर 1 2 3, 3 टाइम क्या है, 11 है, तो 1 2 3। ठीक है, अब क्या करो, तीन तीन के सेम फैक्टर्स के जोड़े बनाओ, यानी ट्रिपलेट्स बनाओ। तो देखो ये तीनों क्या है, 2 अपने पास में, ये तीनों क्या है, 11 अपने पास में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्यूब रूट का साइन लगा दो, क्यूब रूट ऑफ 10648 इज इक्वल टू, इन तीनों टू में से 1 2 को बाहर निकाल लो, ये आ गया 2। ठीक है, इन 11 में से 1 11 को बाहर निकाल लो, ये आ गया 11, मल्टीप्लाई कर दो 2 into 11 22। तो ये जो क्यूब है किसका है, 22 का, यानी 10648 का क्यूब रूट कितना है, 22 है। ठीक है, तो लिख दो हेंस क्यूब रूट ऑफ 10648 इज हेंस क्यूब रूट ऑफ 10648 इज 22, यानी 22। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 27,000, इसका आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करो, प्राइम फैक्टर करो 27,000 के, प्राइम फैक्टर ऑफ 27,000, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम, फिर 3 टाइम 5 टाइम 0 टाइम 0 टाइम, फिर 2 से 6 टाइम, फिर 7 टाइम 5 टाइम 0 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम 3 टाइम, फिर 7 टाइम, फिर 5 टाइम, अब 2 से नहीं होगा, किससे होगा, 3 से होगा, तो 3 से 1 टाइम 1 टाइम 2 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 3 से 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 7 जा 21, फिर 5 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम 2 टाइम
फाइव टाइम, अब किससे होगा, थ्री से नहीं होगा, फोर से नहीं होगा, फाइव से होगा, फाइव से टू टाइम, फाइव टाइम, फिर फाइव से फाइव टाइम, फिर फाइव से वन टाइम, ठीक है। ये हो गए प्राइम फैक्टर ऑफ 27,000, इसके लिख दो 27,000 इज इक्वल टू कितने टाइम, टू है, वन टू थ्री, थ्री टाइम तो क्या है, टू है, तो लिख दो टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है। थ्री थ्री कितने टाइम है, वन टू थ्री, थ्री टाइम क्या है, थ्री है, तो लिख दो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। फाइव कितने टाइम है, वन टू थ्री, थ्री टाइम क्या है, फाइव है, तो लिख दो फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, ठीक है। अब तीन तीन के जोड़े बनाओ सेम फैक्टर्स के, देखो ये तीनों क्या है, टू है, ये तीनों क्या है, थ्री है, ये तीनों क्या है, फाइव है, ठीक है। तो क्यूब रूट का साइन लगा दो, क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज इक्वल टू, पहले जोड़े में से, पहले तीन के जो जोड़ा है, जो जिसमें टू टू है, उसमें से एक टू को बाहर निकाल दो, इसमें से अपन ने एक टू को बाहर निकाल लिया, ठीक है। इस जो सेकंड वाला जोड़ा है तीन तीन का, इसमें से एक थ्री को बाहर निकाल दो, ये निकाल लिया, ठीक है। इसमें से जो तीन थ्री टाइम फाइव है, उसमें से वन फाइव को बाहर निकाल दो, ये निकाल दिया, मल्टीप्लाई कर दो, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स फाइव जा थर्टी, ठीक है। तो 27,000 का क्यूब रूट कितना हो गया, 30 हो गया, लिख दो, हेंस क्यूब रूट ऑफ 27,000, क्यूब रूट ऑफ 27,000 इज 30, यानी 27,000 का क्यूब रूट कितना होगा, 30 होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, 15,625, इसका आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टर कर दो, सबसे पहले टू से डिवाइड होगा नहीं, थ्री से भी नहीं होगा, किससे होगा, फाइव से होगा, करो थ्री टाइम, फिर वन टाइम, फिर टू टाइम, फिर फाइव टाइम, फिर फाइव से सिक्स टाइम, टू टाइम, फिर फाइव टाइम, फिर फाइव से वन टाइम, टू टाइम, फिर फाइव टाइम, फिर फाइव से टू टाइम, फाइव टाइम, फिर फाइव से फाइव टाइम, फिर फाइव से वन टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर हो गए, इसको लिख दो 15,625 इज इक्वल टू कितने, फाइव है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टाइम क्या है, फाइव है, तो सिक्स टाइम फाइव लिख दो, वन टू थ्री फोर फाइव, ये सिक्स, सिक्स टाइम कितने हो गए, फाइव हो गए, कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब क्या करो, तीन तीन के सेम फैक्टर्स के जोड़े बनाओ, यानी ट्रिपलेट्स बनाओ सेम फैक्टर्स के, देखो ये तीनों क्या है, फाइव है, ये तीनों भी क्या है, फाइव है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखो, क्यूब रूट का साइन लगा दो, वन फाइव सिक्स टू फाइव इज इक्वल टू, इन तीनों फाइव में से वन टाइम फाइव को क्या निकाल लो, बाहर निकाल लो, थ्री फाइव में से वन फाइव को बाहर निकाल लो, कितना बचेगा, फाइव बचेगा, ठीक है। इन तीनों फाइव में से वन टाइम फाइव को बाहर निकाल लो, ठीक है, फाइव इंटू फाइव कितना हो गया, ट्वेंटी फाइव, फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, ठीक है, लिख दो, हेंस क्यूब रूट ऑफ 16,15,625 इज 25, यानी कि 15,625 का क्यूब रूट कितना है, 25 है, यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा।